आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। अपने लड़के के हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी सिटी से मृतक के परिजन मिले। दरअसल पूरा मामला थाना शहर कोतवाली क्षेत्र के बहेड़ी का है, जहां कचहरी परिसर स्थित एसएसपी कार्यालय पर मृतक के परिजन पहुंचे और अपने लड़के के हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई। परिजनों ने बताया कि 15 अप्रैल को पड़ोस में रहने वाले लड़के की शादी थी। शादी में डीजे बज रहा था, जिसे लेकर मेरे लड़के की मारपीट हो गई थी, जिसके पश्चात गांव के मौजूद लोगों ने उनको समझा बुझाकर शांत किया था। इसके बाद मेरे लड़के को देशु पुत्र रमेश अपने साथ लेकर गया, जिसके बाद मैंने अपने लड़के को काफी तलाश किया, लेकिन मेरा लड़का कहीं नहीं मिला। अगले दिन मेरे पास रोहाना चौकी का दरोगा आया और उसने कहा कि रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। हम वह गाँव के लोग देखने गए तो उसकी पहचान मेरे लड़के के रूप में हुई। फिर गाँव के ही रामदास पुत्र केवलदास ने बताया कि उसके पुत्र को कल रात 10 बजे मोनू पुत्र बाबूराम विदेशी पुत्र रमेश के साथ मोटरसाइकिल पर रहने की तरफ जाते हुए देखा था। इसलिए हम आज सभी एसएसपी साहब से मिलने आए थे। मेरे पुत्र के हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द कर उनको सजा दी जाए। मुजफ्फरनगर से कैमरामैन रोहित के साथ अमित कुमार गौतम की रिपोर्ट। मेरा नाम टिकम बोध, मैं भीम आर्मी जिला संरक्षक। टिकम जी, क्या लेने हैं एसएसपी? आज हम एसपी सिटी साहब से मिले हैं और कल ये लोग भी मिले थे मुझे। कल जैसे ही शाम में मुझे पता लगा मामले में मिले। मामले में एक भाई था हमारा जिसको मर्डर कर दिया गया है, उसको डीजे को लेकर के कोई मामला वहाँ गांव में बहस हुई है और बहस में मतलब जिस टाइम वो घर आया वहाँ से समझौता हो गया था, जो डीजे पे झगड़ा हुआ था उसका समझौता होने के बाद वो घर आया। घर आने के बाद उसको कोई अज्ञात लोग बुला करके ले गए हैं घर से, और जो है उनका मतलब घर से बुला करके ले गए और घर से ले बुला के ले जाने के बाद फिर उसका पता नहीं लगा। एक घंटे तक ये जो माँ है सुमन देवी जी, ये भी ढूंढती रही अपने लड़कों को, एक बजे तक नहीं मिला। और फिर मुझे जैसे ही कल में पता लगा तो मैं आज मिलने के लिए आया हूँ। और जो है रेलवे जो थाना है, हम लोग उनसे भी मिले हैं साहब से, उन्होंने भी यही कहा है कि जल्द से जल्द मुलजिम पकड़े जाएंगे। और पुलिस प्रशासन कोतवाली जो थाना है उसने तो हमारी रिपोर्ट कहा का मामला है, क्या मर्डर हो चुका, डेड बॉडी मिल चुकी? हाँ, डेड बॉडी मिल चुकी है और उसका दाह संस्कार भी हो चुका है। और थाने का मामला है? थाने का मामला है ये कोतवाली का। अच्छा। जी, ये कोतवाली का मामला है। कब हुआ था मामला? ये 16 तारीख में मृत्यु हुई है उसकी। अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और नामदर्ज है जिसका मोनू का नाम है, नामदर्ज रिपोर्ट सोनू बाबूराम। पुलिस अधिकारियों ने अभी तक कुछ नहीं किया। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन ये दे रहे हैं कि एक दिन का समय और चाहिए। अगर पुलिस आज एक दिन का समय मांग रही है, हम पुलिस को 24 घंटे का समय देते हैं। अगर पुलिस नहीं पकड़ पाती तो हम लोग यहाँ पे एसएसपी धरना प्रदर्शन करेंगे। ठीक है।